कांग्रेस की सीट रही जो बट अब भाजपा के खाते में चली गई है। भाजपा की सुलोचना रावत ने 6000 से अधिक मतों से कांग्रेस के महेश पटेल को पराजित किया। कांग्रेस से भाजपा में आई सुलोचना पर भाजपा ने भरोसा जताते हुए हफ्ते भर के भीतर ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। भाजपा में बगावत भी हुई लेकिन बाद में सब थम गया, पूरी पार्टी भाजपा को जिताने में जुट गई। ये सीट कांग्रेस की कलावती भूरिया के निधन के बाद खाली हुई थी। 25 साल के राजनीतिक करियर में सुलोचना रावत का दूसरा उपचुनाव था। इससे पहले 1996 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जोबट विधानसभा से ही उपचुनाव में जीत के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वे जोबट से 3 बार विधायक रह चुकी हैं और इस चुनाव को मिलाकर अब तक 5 चुनाव लड़ चुकी हैं। इसमें से सिर्फ 1 बार ही हार का सामना करना पड़ा। खास बात ये रही कि इसमें से पिछले 4 चुनाव में से 3 बार कांग्रेस की सुलोचना के सामने भाजपा के माधव सिंह डावर ही थे। इसमें से 2 बार सुलोचना ने जीत दर्ज की। इस बार वे भाजपा से लड़ी और जीती भी।